साईं राम। श्री साईं सचरित्र के अध्याय 42 में वर्णन है कि अभी तक आपने केवल बाबा के जीवन काल की ही कथाएं सुनी हैं। अब आप ध्यान पूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा बुखार आया। यह बुखार 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर और दुर्बल होने लगा। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यह समय प्रोफेसर जी नाके के तारीख 5/11/1918 के पत्र के अनुसार है जो उन्होंने दादा साहब खारपड़े को लिखा था और शिर्डी साईं बाबा संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका साईं लीला के पृष्ठ 7-8 पर प्रथम वर्ष में यह प्रकाशित हुआ था। इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका। घटना इस प्रकार है कि विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमा उल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी 2 गुना प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर थे। सभी लोग भय से कांप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस ना हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भागोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने बाबा को लंगोटी बांध दी और उनसे कहा कि बाबा, यह क्या बात है देव, आज दशहरा सीमोल्लंघन का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि यह मेरा सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक उनका क्रोध शांत ना हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकालने में भी संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए। बाबा ने और भी अन्य संकेत किए जो इस प्रकार हैं। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशुकन हुआ जो इस घटना का पूर्व सूचना स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ और वो कहने लगे कि यह ईंट नहीं फूटी, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया। कुछ लोग यहां शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। उस समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए परंतु कोई लाभ ना हुआ और जीवन से हताश होकर वह मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा अनायास ही उनके सिरहाने प्रकट हुए। रामचंद्र पाटिल ने उनके चरणों से लिपट कर कहने लगे, मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं। आप कृपया कर मुझे इतना तो निश्चित बतलाइए कि मेरे प्राण कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भी किसी से भी प्रकट ना करना और ना ही उसे बतलाना, अन्यथा वह अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र पाटिल अब पूर्ण स्वस्थ तो हो गए परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश हुए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने यह भेद बाला शिंपी के अतिरिक्त किसी से भी प्रकट नहीं किया। केवल 2 ही व्यक्ति रामचंद्र दादा पाटिल और बाला शिंपी तात्या के जीवन के चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद्र ने शैया त्याग दी और वे चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा। 1840 की भाद्रपद समाप्त हो गया और आश्विन मास प्रारंभ होने ही वाला था कि बाबा के वचन पूर्णतया सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वे बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गए।
इधर बाबा भी बुखार से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरि पर, जो उनके संरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई। वे हिलडुल भी नहीं सकते थे और सदैव बाबा का ही स्मरण कर सकते थे। इधर बाबा की भी स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी। बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया। तब रामचंद्र पाटिल और बाला साहेब शिंपी बहुत घबरा गए। उनके शरीर कांप रहे थे, पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी। अब तात्या का अंतिम समय है। जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी की गति मंद होने लगी और उसकी मृत्यु निकट दिखलाई देने लगी। उस समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उनके प्राण बच गए, परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे परस्पर हस्तांतरण हो गया हो। सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये वे ही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया हो। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दास गणों को पंडरपुर में स्वप्न दिया कि मस्जिद भर भराकर गिर पड़ी है। शिरडी के प्राय सभी तेली तंबोली मुझे कष्ट देते हैं, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूं कि शीघ्र वहां जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ। दास गणों को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आए और उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरि नाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की माता गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक वृहद भोज का भी आयोजन किया गया। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाहर साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह का त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजह ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें आठों पहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए थे, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्म स्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातः काल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट नहीं किया। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी अप्पा कोते, लक्ष्मण बाबा शिंपी, नाना साहेब निमोलकर वहीं रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपए देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। यही अंतिम शब्द उनके श्री मुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर झुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा का श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहब निमोलकर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहब निमोलकर भी कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला तो वो पानी बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देवा। तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओहो कहा हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक दुख संवाद दावानल की भांति तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बालगण मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ, उनके हृदय विचलित होने लगे।
कोई जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था तो कोई सड़कों पर लौटने लगा और कोई बहुत ही बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसे दृश्य उपस्थित हो गया। वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण पर ब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे। उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया। चिंता मगन काका साहेब बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने वाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा। ऐसी स्थिति में वे बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे। इसलिए इच्छा ना होते भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें वाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेले छोड़ना भी उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो उनका मन कहीं और बाबा के साथ ही था। अभी भोजन समाप्त भी नहीं हुआ था कि बाबा नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अपनी अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे और जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बयाजी अप्पा कोते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे थे। ना वे नीचे लुढ़के और ना शैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए और अपने दोनों हाथों से दान करते हुए उन्होंने ये मानव शरीर त्याग दिया। पवन अग्रवाल के साथ अयूब पठान, साईं लीला टाइम्स ब्यूरो। कृपया साईं लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 24 घंटे शिरडी साईं बाबा से जुड़े रहने के लिए साईं लीला टाइम्स इंटरनेट FM रेडियो लॉग इन करें। ओम साईं राम।